ينصركم ويثبت اقدامكم. सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिन का, तमाम मातमदारों का, जदारों का, उलमाए कराम का और यहाँ के मकामी मोमिन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस रात के पहर में, अगरचे कि मुझे पता है कि आप दोपहर से बैठे हैं यहाँ पर और हमें दोपहर को यहाँ पहुँचना था, लेकिन आपकी तरह लोग मोमिन जो मोहब्बत करने वाले हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो हजरत के जहरा की औलाद से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हीं लोगों ने इस्तकबाल किया और वो वहाँ, इस वजह से हमें देर हो गई। ताखिर की माजर चाहते हैं। आगे भी हजारों आदमी बैठा हुआ यहाँ से लेके इस वक्त तक हालात तक लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने सिंध की धरती के मोमिन को कि जिन्होंने साबित कर दिया कि ये सिंध की धरती अहले बैत के मानने वालों की धरती है। ये और ये अल्लाह की सरजमीन है, ये अहले बैत के मानने वालों का सरजमीन है और जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है वो सरजमीन छोड़कर चला जाए, जहाँ उसने अपने घर आबाद करने कर ले। लेकिन यहाँ पर अहले बैत के मानने वाले हैं, यहाँ पर अहले बैत के मानने वाले मातम भी करेंगे, मजलिस भी करेंगे, सबील भी लगाएंगे और जो कुछ कर सकते हैं इमाम हुसैन के नाम पर करेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। जिसकी वजह से आज तुम्हें इज्जत मिली है वो औलाद ज़हरा होने की वजह से इज्जत मिली है। ये कौन सी इज्जत है? तुम कौन सा सैयद हो? एक तरफ तुम कहते हो मैं औलाद ज़हरा हूँ, मैं सैयद हूँ, और दूसरी तरफ औलाद ज़हरा की मजलिस करने वाले अज़ादारों पे FIR काटते हो, तो कल मुझे बताओ तुम जनाब ज़हरा को क्या मुंह दिखाओगे? क्या हजरत ज़हरा को मुंह दिखाओगे? टीवी पे आते हो तो दुरूद से शुरू करते हो और आखिर तक सारी बातें करते हो, लेकिन अज़ादारों पे FIR है? पैदल चलने वालों पर FIR है? ये काबिल कबूल नहीं है। वो ये ना समझे पाकिस्तान में तशय्यु लावारी से हमारा इमाम पर्दा गैब में मौजूद है, हमारा कायद भी जिंदा और मौजूद है। ये पाकिस्तान हमारी मेहनत से बचा हुआ है, जो हमारे साथ धरंदी की गई। इस मुल्क के अंदर अगर कोई और होगा तो मुल्क पता नहीं कहाँ पहुंचा चुका होगा। लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ, अपने हुकूमत में जद्दोजहद के लिए निकले आप, कमजोर ना पड़िए, घबराइए मत, ये हमसे ज्यादा कमजोर लोग हैं। इमाम हुसैन के नारा लब्बे के हुसैन के सामने कोई दुनिया की बड़ी ताकत नहीं रुक सकती है। आपको याद है इमाम सज्जाद को जब दरबार में तलब किया था यजीद ने, तो इमाम ने क्या चीज बताई थी? इमाम ने कहा था सुन ले यजीद,